घर की होने वाली बहू किसी और लड़के से प्यार करेगी, प्यार करेगी। गौरी, गौरी मैंने तुमसे कहा था ना, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर क्यों ये बोला तुमने मुझसे झूठ? खैर, अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं हमारे बीच में। बारे दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, संभालिए उम्र भर का दिया है। रुद्र, ये क्या क्या हालत बना रखी है? इतनी शराब क्यों पी रखी है तूने? आप तो गौरी की शादी में गए थे ना, कहीं आपने वहाँ कुछ किया तो नहीं? उसको उसका प्यार मिल गया। मतलब? मतलब ये कि मैंने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। उसने मेरी शादी नहीं होने दी, मैंने उसकी शादी नहीं होने। अरे अगर और किसी के साथ ऐसा हुआ होता ना, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, वहीं डूब मरते चुल्लू भर पानी में। मैं उन कमजोर लड़कियों में से नहीं हूँ जो किसी और की गलती की वजह से अपनी जान दे देती है। आज की लड़की हूँ मेरी माँ ने मुझे जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना और आगे बढ़ना सिखाया है। अरे हाँ हाँ, हम भी देखेंगे कैसे बदलेगी अपनी भाग का लेखा। तुमने तो प्यार किया नहीं होगा, तुम क्या समझोगी? प्यार किया तुमने कभी? मुझे प्यार नाम की किसी भी चीज में विश्वास नहीं। प्यार तो एक खूबसूरत एहसास है। मैंने तेरी मांग में सिंदूर भर के तुझसे शादीवादी नहीं की, अरे मैं तो तुझे अपनाऊंगा भी नहीं। शादी करना चाहती थी ना मेरे साथ, मेरी संगिनी बनना चाहती थी। अब देख, जिंदगी भर अकेले इसी मोहल्ले में इसी घर में बिना पति के सुरती रहेगी। सिंदूर अगर सिर्फ लाल रंग होता तो आज भी हमारे देश में एक लड़की के लिए शादी इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। दुनिया कितनी भी बदल जाए गौरी, पर इस सच्चाई को हम नहीं बदल सकते। अपने माथे पर लगे सिंदूर को लाल रंग कहकर पानी से मिटा दिया, अब इसका क्या करेगी? तुझे मेरी गौरी को अपने घर की बहू स्वीकार करना ही होगा, तेरे पास और कोई चारा ही नहीं। तू क्या समझती है, तू मेरे घर के सामने खड़े होकर तमाशा करेगी तो मैं तेरी बात मान लूंगी? यही चाहती है ना कि मैं तमाशा करूं? तुझे मेरी गौरी को इज्जत से अपने घर की बहू बनाना होगा, वरना मैं यही सबके सामने आत्मदाह कर लूंगी। बोल राजन, क्या है तेरा फैसला? तू गौरी को इस घर की इज्जत बनाकर लाएगी या मैं यही अपने आप को आग लगा लूंगी? बोल, क्या चाहती है तू?